मैं मनोज कुमार सिंह इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनकी बदौलत आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं। महिलाएं किसी भी देश, परिवार, समाज की रीढ़ होती हैं। बिना महिला के किसी भी दुनिया, समाज, परिवार की कल्पना निरर्थक है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना महिला के आप जीवन के सफर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महिलाओं का हर पुरुष के जीवन की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होता है, या यूं कहें कि पुरुष, समाज, देश की तरक्की महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। मैं दूसरों के उदाहरण देने की अपेक्षा स्वयं से ही अपनी बात शुरू करना पसंद करता हूँ। मेरे बुक पब्लिशिंग हाउस की आधारशिला ही महिलाएं हैं, और मेरे साथ वह विपरीत परिस्थितियों में कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और अपनी विशिष्ट कार्यशैली की बदौलत वह हमारे पब्लिशिंग हाउस की एक सम्माननीय भागीदार हैं, जिनमें मुख्य संपादिका पूजा रत्नाकर, सुमंगला जी, पूजा सिंह, गरिमा गौतम, प्रीति सिंह आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने यह कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वह हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करती हैं। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उन महिलाओं के प्रति यह कभी महसूस नहीं होने दिया जाए कि वह इस पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करती हैं, बल्कि वह स्वयं के लिए काम करती हैं और उनकी एक विशिष्ट पहचान इस समाज में बन सके। इसी प्रकार मेरा आईटी का दूसरे देशों में काम देखने वाली उन महिलाओं को मेरा सलाम, जो इस वैश्विक महामारी के दौर में भी मेरे साथ रहीं, कदम से कदम मिलाकर विपरीत परिस्थितियों में भी काम करती रहीं, जिन्होंने इस दौर में भी उन्होंने अपने मेहनताने का एक भी बार जिक्र नहीं किया, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया एवं सलाम। जिनमें से यूरोप से एनी वुडस्टॉक, सेविस्लाइना, ग्रैमी अवार्ड, यूएस से सैली निस्टो, क्रिस्टीना क्रोफर प्रमुख हैं। मेरा यह मानना है कि यदि आपने वास्तविक शिक्षा ग्रहण की है तो आप निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर काफ़ी सजग और सभ्रांत हैं, और यही हमारी संस्कृति है कि महिलाओं का देवियों का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है, क्योंकि वह जननी हैं जो इस दुनिया, संसार को चलाती हैं, जिनमें से आप और हम हैं। एक बार फिर सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।